नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक आपको विज्ञान विषय की डेली क्लासेस दी जा रही हैं, प्रत्येक विषय की चतुर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज उसी को क्रम को बढ़ाते हुए परीक्षा आपकी नज़दीक आ गई है, तो अब हम सभी रोमेश सर, अभिषेक सर, सभी विषयों के प्रश्न पत्र और अति महत्वपूर्ण प्रश्न गाइड और सीरीज से क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए, इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान का एक प्रश्न पत्र कराया जाएगा पूरा। उसको आप देखिए, समझिए, कहीं पे कोई डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि डीएलएड में विगत वर्ष के ही पेपर आते हैं। साथियों, वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप रोमेश सर के साथ क्लास एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल नितेश पांडे में स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने साइंस विषय के सभी चैप्टरों का अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब आज से जितने भी विगत वर्षों में जितने भी एग्जाम पेपर हुए हैं, उन सभी में जितने भी वस्तुनिष्ठ अति लघु लघु क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज से उन सभी का विस्तार पूर्वक डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं 2016 के प्रश्न पत्र में कौन कौन से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो उस पर पेपर पर जो एग्ज़ाम पेपर आपको मिलता है, उस पर निर्देश जो दिए रहते हैं, उस निर्देश के अनुसार ही आपको सारे क्वेश्चन हल करने रहते हैं। तो उसमें क्या लिखा रहता है, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करने ही करने हैं, और उसके सामने उसका नंबर दिया रहता है। तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको छांट करके उसका उत्तर लिखना रहता है, क्वेश्चन आपको नहीं नोट करना रहता है। अति लघुत्तरी प्रश्न 30 शब्दों में मात्र लिखना होता है, 3-4 पेज नहीं लिखना होता, 30 शब्दों में लिखना होता है। और लघुत्तरी प्रश्न 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना रहता, लेकिन क्या करते हैं सभी लोग, 2 या 3 पेज तक पहुँचा देते हैं। उससे आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। जितना आप मैटर जितना आप लिखें सॉलिड लिखें, 50 वर्डों में लिखें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? 4 विकल्प आपके सामने दिखेंगे, एक डार्विन द्वारा, दूसरा ग्रेगर जान मंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, लैमार्क द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है, डार्विन द्वारा। आप सभी ने अगर क्लास सारी क्लास की होंगी तो आप आंसर देने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाएंगे। तो हमने बताया था डार्विनवाद जी के विचार जो हैं 5 से 6 बातों पर निर्भर करते हैं। पहली संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, दूसरी जीवन संघर्ष। इन्होंने बताया था जीवन संघर्ष 3 प्रकार का होता है, सजाती, विजाती, वातावरणीय। तीसरा विभिन्नता एवं वंशागत। चौथा योग्यतम की उत्तर जीवता का ही दूसरा नाम है प्राकृतिक चयनवाद। क्या नाम है, योग्यतम की उत्तर जीवता, उसी को कहते हैं प्राकृतिक चयनवाद। पांचवा वातावरण के प्रति अनुकूल। छठा नई जातियों की उत्पत्ति। छह प्रकार की बातों पर इन्होंने अपनी बात रखी थी। तो इसमें चौथा पॉइंट था योग्यतम की उत्तर जीवता, उसी को कहते हैं प्राकृतिक चयन। तो स्पष्ट है, निकल कर आया कि प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया था, डार्विन जी ने। ठीक, ये 6 पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन लघ क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, प्राकृतिक चयनवाद का दूसरा नाम क्या, योग्यतम की उत्तर जीवता। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है, सांद्रण विधि कौन सी नहीं है? 4 विकल्प दिए गए, फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो सांद्रण विधि में इसमें आप लोग देखेंगे कौन कौन सी विधियां सांद्रण के लिए यूज की जाती हैं। सांद्रण विधि पूछा गया नहीं है, तो फेन प्लावन में सांद्रण विधि प्रयोग की जाती है, चुंबकीय पृथक्करण में भी की जाती है, गुरुत्वीय पृथक्करण में भी किया जाता है, और निस्तापन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांद्रण नहीं किया जाता है। ठीक,
तो इसका सही उत्तर होगा निस्तापन विधि। फिर अगला क्वेश्चन है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। धनावेश, ऋणावेश, दोनों आवेश, कोई नहीं। कांच की छड़ अगर है उसे रेशम पर रगड़ेंगे, हमने बताया था, तो उसमें कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, अब इसमें से आप चार पॉइंट पहले देखेंगे क्या चीज़ सही निकल कर आता। आयनिक त्रिज्या घटती है, ये नहीं हो सकता। सुचालकता घट जाती है, घनत्व घट जाता है, धात्विकता बढ़ जाती है। क्या होता है आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर? तो धात्विकता बढ़ती जाती है। इसका सही आंसर होगा धात्विकता बढ़ती जाती है। लास्ट है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? हमने बताया था आप लोगों को, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है? प्लेटलेट्स। क्या ने बताया था? प्लेटलेट्स। चारों विकल्प पहले आप अच्छी तरीके से देखेंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर करेंगे। ये नहीं कि आप तुरंत टिक लगा दिए आगे बढ़ लिए, पहले चारों विकल्प पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, फिर आगे जाइए। फिर अगला प्रश्न पत्र देखते हैं, 2017, इसमें कौन कौन से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आए थे? पहला था एलिसा परीक्षण है, एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? हमने आपको भी पढ़ा है एड्स, हेपेटाइटिस बी और एड्स, दो चीज़ पढ़ाई, क्षय रोग, टाइफाइड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको माइंड में आपके स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि दोनों में से एक हो सकता है। एलिसा जो होता है वो एड्स से संबंधित है, ना कि हेपेटाइटिस, तो इसका सही आंसर एड्स होगा। गैलना किस धातु का अयस्क है? हमने एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया था, गैलना अयस्क की जब परिभाषा बताई थी तब आपको बताया था गैलना। तो गैलना जो होता है वो लेड, जो लेड होता है उसका अयस्क होता है, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? लेड। अयस्क की क्या डेफिनेशन बताई थी? कि वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जाता है। अयस्क की क्या परिभाषा होती है? वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। तो लेड 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 जो है उसका अयस्क क्या था? गैलना। कापर पाइराइट का कापर, ऐसे एग्जाम्पल हमने बताए थे। फिर तीसरा क्या है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है? ये हमने आपको पहले ही चैप्टर पढ़ाया था, पारिस्थितिकी तंत्र। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र। ना कि समुदाय बनेगा, ना जियोम बनेगा, ना खाद जाल बनेगा, क्या बनेगा? पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता कैसे? जैवी तथा अजैवी घटकों से मिलकर होता है, उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र। फिर अगला देखते हैं, शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? कभी कभी सेल क्या करते हैं बच्चे घर में, उसको तोड़ देते हैं, तो उसमें एक क्षण निकलती, वो किस चीज़ की होती? कार्बन की होती। किस चीज़ की होती? कार्बन, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन। फिर अगला क्वेश्चन आया है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है? अभी आपने 16 में देखा होगा यही क्वेश्चन आया था, 17 में भी यही क्वेश्चन आया, प्लेटलेट्स, आप लोग भूलेंगे नहीं, हमें ये कंफर्म है कि वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग 100% याद रखेंगे। प्लेटलेट्स क्या होती है? जो रुधिर थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका होती है, ठीक। फिर अगले प्रश्न पत्र पर चलते हैं, अगला प्रश्न पत्र है 2018। पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया था, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, दिष्ट धारा का प्रयोग कहाँ करते हैं? पहला विकल्प है पंखा, दूसरा टार्च, टीवी, कूलर। तो इसमें टिक लगा है पंखे पर, लेकिन पंखा जो है गलत है। सही क्या है? टार्च। आप लोगों ने देखा होगा टार्च में सेल पड़ते हैं, तो वो क्या होता है? एक दिष्ट धारा का प्रयोग होता है वहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या है? टार्च। टार्च में दिष्ट धारा का प्रयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या बताया था हमने? युग्लिना। युग्लिना क्या होता है? पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी होती, तभी तो ये ग्रीन ग्रीन दिखता है, हरा दिखता है, तो इसका सही आंसर युग्लिना। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ है, सबसे इजी क्वेश्चन, चुंबकीय पदार्थ क्या है? पहला विकल्प है लोहा,
दूसरा पीतल, तांबा रबड़, तो कौन सा है? लोहा। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। तो सही आंसर क्या होगा? लोहा। फिर अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। हमने बताया था आप लोगों को रक्त का निर्माण संरचना वाले चैप्टर में आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बोन मैरो किससे होता है? अस्थि मज्जा से। इसका सही आंसर क्या है? द अस्थि मज्जा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? बल्ब, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। सभी लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। इसका फिगर भी बनाने को आया था एक बार, तो उसे भी आप लोग देख लेंगे कैसा इसका फिगर बनता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन नहीं 2019 फिर अगला प्रश्न पत्र होगा 2019, क्योंकि पांच ही बहुविकल्पी आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। हमने बताया था विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसका सही आंसर क्या होगा? एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट। हमने बताया था बहुत सारे अयस्कों के बारे में, हमने बताया था कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? सोना, लोहा, तांबा, कैल्शियम। किसका अयस्क होगा? लोहे का। किसका अयस्क होगा? लोहे का। लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट। हमने आप सभी को अयस्क की परिभाषा भी बताई थी कि अयस्क क्या होते हैं, तो एक बार उसकी परिभाषा भी देख लेंगे। अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं की सरलता धातुओं को सरलता से निष्कासित किया जाता है। ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु है। कौन सी इसमें से मिश्र धातु है? पीतल, जस्ता, तांबा, टिन। कौन सी है? पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है। भारत में एनीमिया का कारण, एनीमिया के कई कारण होते हैं, इसमें विकल्प दिए गए हैं चार, चारों में से गरीबी, गंदा रहन सहन, अज्ञानता, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा सही आंसर? उपरोक्त सभी। तो एनीमिया का कारण क्या होगा? उपरोक्त सभी, सभी कारण होंगे। फिर अगला है उत्परिवर्तन का क्या कारण है? उत्परिवर्तन का क्या कारण होगा? जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, प्राकृतिक चयन, उद्विकास। तो उत्परिवर्तनवाद हमने बताया था, उस अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा उत्परिवर्तनवाद क्या होता है। किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज जी ने ये परिवर्तन दिया था उत्परिवर्तनवाद। इसमें क्या होता है? ये अचानक होता है, अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। इसमें क्या होता है? जो जीन्स होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं? जीन परिवर्तन का कारण होता है, इसीलिए, क्योंकि जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार जाते रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीन परिवर्तन। ठीक, फिर अगला है 2020 में कौन से क्वेश्चन आए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है तृतीयक उपभोक्ता है। पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आप तुरंत आंसर इसका लगा सकते हैं। बाज, बाज जो होता है वो तृतीयक उपभोक्ता होता है, क्योंकि बाज जो होता है, देखिए पहले प्राथमिक उपभोक्ता हरे पौधे, ठीक, हरे पौधों को कौन खाता है? चूहा, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक, सांप भी खाते हैं। तो उसके बाद बाज को कौन खा, बाज किसको खाता है? चूहों को। तो बाज किस उपभोक्ता में आएगा? तृतीय उपभोक्ता। तो बाज क्या है? तृतीय उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है उपधातु है, उपधातु है, तो इसका आंसर क्या होगा? आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या होती है? एक उपधातु होती है, लोहा, सोना, आर्सेनिक, ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्सेनिक। आर्सेनिक एक उपधातु है। फिर अगला क्वेश्चन है उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत किसने संबंधित, किसने दिया था या किससे संबंधित? तो किससे संबंधित है? उपार्जित लक्षणों की वंशागत दिया था जीन वेटिप्टेड डी लैमार्क। जीन वेटिप्टेड डी लैमार्क किसने दिया था? लैमार्क जी ने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागत। फिर अगला क्वेश्चन है नोबल गैस का उदाहरण। आप चारों विकल्प देखेंगे फिर आप अपने मन से लगा सकते हैं नोबल गैस कौन सी। रेडान, रेडान एक क्या है? नोबल गैस है, ठीक। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। फिर अगला है लास्ट क्वेश्चन जनित्र द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जो जनित्र होता है उससे ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसमें होता है? पहला विकल्प है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में,
विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। इसका सही आंसर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। किसमें होगा? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। जो विद्युत जनित होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक, आशा है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने भी बहुविकल्पी विगत वर्षों में पूछे गए आप सभी का रिवीजन अच्छी तरीके से करिए, और जितनी भी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं जा कर के उन सभी वीडियो को देखिए, तो आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरी, अति लघु, सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं अगली क्लास में लघु क्वेश्चंस, जितने भी विगत वर्षों में लघु क्वेश्चन आए हैं, जितने भी विगत वर्षों में अति लघु आए हैं, सभी का डिस्कस अगली क्लास में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।